बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी। साथ को प्रबोध याद करो तुम साथ जी, इंद्रावती जी की आत्मा। हम सभी सुंदर साथ को प्रबोधित कर रहे हैं। शुरुआत में ही लिख दिया है साथ को प्रबोध, तुम चेतो इन अवसर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह अवसर क्या है, क्या इसके पहले कोई ऐसा स्वर्णिम अवसर आया था अथवा नहीं आया था। हम अवसर की बात तो करते हैं। वाणी में लिखा है तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई, ब्रज रास और जागनी कही। ब्रज की लीला के पूर्व इस संसार में अक्षरातीत पहले कभी नहीं आए थे, और जब अक्षरातीत नहीं आए तो उनकी जो अंगनाएं हैं वे भी कैसे आ सकती हैं। बड़े बड़े ऋषियों को मुनियों को हम देखते हैं, हमने धर्म ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन कहीं पर भी अक्षरातीत के बारे में, अक्षरातीत की पहचान के संबंधी कोई बात स्पष्ट बात नहीं है कि हम पहचान सकें कि अक्षरातीत कौन है। क्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत, उनका स्वरूप क्या है, उनका धाम क्या है, उनकी लीला कैसी है। लेकिन इंद्रावती जी यहाँ पर कह रही हैं कि तुम चेतो इन अवसर। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में जबकि ब्रज और रास की लीला हो चुकी है, और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा पहले ही सुंदर साथ को तरह तरह का सिखापन दिया जा चुका है। सिखापन में बहुत विध से अनेक अनेक तरीकों से सुंदर साथ को समझाते हैं। बहुत सारी ब्रह्म सृष्टियों की वहां पर जागनी होती है, आते हैं, लेकिन किसी को भी उस समय पहचान नहीं होती है कि हमारा धनी से, अक्षरातीत से हमारा संबंध क्या है। अब हमें इस प्रकरण के द्वारा बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी आप याद कीजिए, क्योंकि इस संसार में परमधाम की शुद्ध तो किसी को है नहीं। यदि परमधाम की शुद्ध आ जाए तब तो तारतम वाणी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमधाम की अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाए, इसलिए बता रहे हैं कि आप याद कीजिए कि ब्रज की लीला में पहले आप ही आए हुए थे। ब्रज मंडल में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला होती है, उसमें किस प्रकार से ब्रह्म सृष्टियां जो गोपियां होती हैं दिन रात वाला जी को रिझाने में ही रहती हैं। उनका मन कहाँ पर होता है कि हम कब अपने वाला जी से मिलें, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जैसे ही ब्रह्म सृष्टियों का, गोपियों का ब्रजमंडल में आगमन होता है, उसके बाद से ही उनके मन में यह बात आने लगती है कि हम कब अपने धनी से मिलेंगे, क्योंकि यह हृदय का आकर्षण है। जहाँ अक्षरातीत बैठे हैं ब्रह्म सृष्टियाँ स्वतः ही उस तरफ खींची चली जाएंगी। अब रास की वाणी में भी जैसे कहा गया है कि एणे पगले आपण चालिए, पगला एरे प्रमाण काई सुंदर साथ जी। अभी आज के समय में हम देखते हैं कि ब्रज की लीला के द्वारा हमें क्या समझाया जाता है। ब्रज या रास की लीला के द्वारा ब्रज में अगर हमें यह बतलाया जा रहा है कि ऐसे कदम हमें चलना है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें भी गायों को धोना है या जो कार्य वहाँ पर गोपियाँ करती थी वे कार्य करना है। ऐसे तो भी बहुत सारे कार्य करते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। रास में देखते हैं तो रास लीला होती है, वहाँ पर तरह तरह की रामतें होती हैं। बात यह नहीं है कि हमें भी उन कार्यों को ही करना है, क्योंकि हम सोचें कि ब्रह्म सृष्टियों की तरह हम भी दूध दुहेंगे, गायों को लगाएंगे तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, ऐसा नहीं है। या अन्य कोई भी ऐसा कार्य जो ब्रजमंडल में अथवा रास की रामतें, यदि अभी हम रास की रामतें करने लगें, हमें अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान ना हो, तो क्या हमारे अंदर प्रेम आएगा? नहीं आएगा। तो कह रहे जो बात कही गई है, एणे पगले आपण चालिए, ब्रजमंडल और रास में जिस तरह से हम चले उसमें क्या था, हमारे हृदय में प्रेम था, पहचान नहीं थी लेकिन एक प्रेम था। तो उसी प्रकार से आज के समय में भी हमें वही प्रेम रखना है। अष्टप्रहर की लीला बतलाई गई है, संपूर्ण परिक्रमा की वाणी में, आठ इस संसार में रह करके 8 प्रहर 64 घड़ी हम कैसे
अक्षतीत के प्रेम में डूबे रहें या उनसे जुड़े रहें, सब कुछ बताया गया है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि उस लीला को याद कीजिए कि हम किस प्रकार से, क्योंकि जैसे हम देखते हैं, यदि मान लीजिए आज के समय में किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसे उसकी याददाश्त कैसे वापस लाई जाती है, उसकी पिछली बातों को बतला कर कि यह तुम्हारा मित्र है, इसके साथ तुम ऐसा करते थे, उसे जगह जगह पर ले जाया जाता है ताकि उसकी जो पुरानी स्मृति है वह वापस आए और उसे पूरे जो पिछले संबंध थे उनकी पहचान हो जाए। तो इसीलिए ब्रज की लीला, रास की लीला का माध्यम यहाँ पे बतलाया जा रहा है, चाहे वह प्रकाश की वाणी हो, रास की वाणी हो या खटऋतु की वाणी हो। इन वाणियों के द्वारा हमें एकमात्र अपने हृदय में अक्षरतीत के प्रति प्रेम रखने की बात कही जा रही है, क्योंकि यह जो अवसर अब आया हुआ है, अवसर क्या आया हुआ है, अवसर यही है कि अक्षरतीत की पहचान पहले नहीं होनी थी, लेकिन अब आज के समय में हमें अवसर मिला है कि हम अक्षरतीत की पहचान कर सकते हैं। परमधाम में रह करके हमें यह नहीं पता था कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अथवा अक्षरतीत कौन है, राज्य से संबंध है, तो इन सभी यह अवसर अभी इस समय ब्रह्म सृष्टियों के हाथ में आया हुआ है। और पहचान कैसे होगी, राज्य की पहचान तारतम वाणी के द्वारा ही होगी। जब तक हम तारतम वाणी के इन वचनों को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हमारी जागनी असंभव है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी आते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से कलश की वाणी में भी बतलाया गया है कि कभी हंस करके, कभी गा करके, कभी रो करके, बहुत तरीके के अलग अलग सुंदर साथ आते हैं, बहुत कष्ट भी आते हैं। जब प्रारंभ में सदगुरु देवचंद्र जी के द्वारा चर्चा प्रारंभ की जाती है तो उस समय आसपास के जो लोग होते हैं, चाहे अन्य पंडित लोग हों अथवा और दूसरे जो लोग हैं जो किसी कारणवश देवचंद्र जी से या गांगजी भाई से या सुंदर साथ जो अन्य हैं उनसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वे क्या करते हैं, या तो किसी से चुगली कर देते हैं जा करके अथवा कोई और उपाय लगाते हैं ताकि यह जो कार्य चल रहा है इसको बंद कर दिया जाए। यह देवचंद्र जी के द्वारा जो सत्संग चर्चा का कार्य हो रहा है यह आगे ना बढ़े, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो अन्य पंडित लोगों के साथ लोग जुड़े हुए हैं वे सारे हट जाएंगे और उनका कार्य रुक जाएगा, क्योंकि वे तो एकमात्र धन के उपार्जन के लिए ही यह सारा कार्य करते हैं। तो सुंदर बाई अर्थात श्री देवचंद्र जी ने आकर के बहुत तरीके से सुंदर साथ को जागृत किया और सुंदर साथ को जगाने के लिए तरह तरह से प्रयास भी किया। अब कह रहे हैं कि सपने में भी खिलना छोड़े। हम क्या सोचते हैं कि हमारे साथ आज कोई भी घटना घटित होती है, चाहे कुछ अशुभ हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि राज्य ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वाणी में क्या लिखा हुआ है, धनी न देवे दुख तिल जेता जो कीजिए अपन विचारी जी, दुख आपन को तो होत है जो माया करत है भारी जी। राज्य हमें दुख नहीं देते हैं, राज्य तो फूल पंखुड़ी के समान भी हमें कष्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका प्रेम है, ब्रह्म सृष्टियों के साथ ऐसा संबंध है कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी अज्ञानतावश ऐसा सोचते हैं कि राज्य हमें दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो इंद्रावती जी कह रही हैं ये धनी कैसे हैं, उनकी महिमा बतला रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि धनी हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम जब बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुबह, हमारे प्रारंभ से ही ब्रह्म सृष्टियों के साथ प्रारंभ से ही अक्षरतीत उनके साथ होते हैं, चाहे हम साथ दें चाहे ना दें, चाहे हम राज्य को याद करें चाहे ना करें, लेकिन राज्य ब्रह्म सृष्टियों को कभी नहीं छोड़ते हैं। यह उनकी मेहर है ब्रह्म सृष्टियों पर, यह उनकी कृपा है। तो कहते हैं कि जब ऐसे धनी हैं जो हमें सपने में भी, जो इस संसार में भी नहीं छोड़ते हैं, तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि भी हमें परमधाम नहीं ले जाएंगे अथवा परमधाम के सुख नहीं देंगे। राज्य तो राज्य के द्वारा जो कार्य हो रहा है वह तो चल रहा है, देवचंद्र जी के द्वारा ऐसा तो नहीं है कि देवचंद्र जी कार्य कर रहे हैं, देवचंद्र जी के द्वारा भी जागनी कराने वाले कौन है, अक्षरतीत ही है। वाणी में आया है कि प्यू आए तीन बेर अरोगने, कि अक्षरतीत के रूप में जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा करते थे उस समय तीन बार भोजन अरोगने के लिए अक्षरतीत राज जी श्री कृष्ण जी के रूप में आया करते थे, ऐसा लिखा हुआ है। तो
कहने का तात्पर्य क्या है कि अक्षरतीत हमसे अलग नहीं है, वे प्रतिपल ब्रह्म सृष्टियों के साथ ही हैं, लेकिन हम अज्ञानता में ऐसा सोच रहे हैं कि वे हमारे साथ नहीं हैं। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि सुंदर साथ की जागृति हो, उनके हृदय में प्रकाश हो, इसीलिए यह प्रकाश की वाणी कह रहे हैं ताकि यह पहचान हो सके कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में लीला करने वाले कौन थे और अब वे अक्षरतीत कहाँ बैठ कर के लीला कर रहे हैं। तो प्रकाश की वाणी हम सभी के हृदय में यह प्रकाश करती है और हम सभी सुंदर साथ को प्रेरित करती है कि परमधाम की चितवनी की तरफ बढ़ें और अक्षरतीत को अपने हृदय में बसाएं। उजाले जो ना पहचाने, अब कह रहे हैं कि जब यह प्रकाश हो चुका है और ऐसे में भी यदि कोई ना पहचाने, हमारे ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने तारतमवाणी नहीं है, उस समय जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा करते थे तो तारतमवाणी नहीं थी और मेहराज जी के द्वारा भी जब वाणी चर्चा होती थी उस समय पर भी तारतमवाणी पूरी नहीं अवतरित हुई थी। जब पन्ना जी आ जाते हैं तब संपूर्ण वाणी अवतरित होती है। तो अब जब यह तारतमवाणी अवतरित हो चुके हैं और उसके बाद भी जब संपूर्ण ज्ञान हमारे सामने आ चुका है, परमधाम के 25 पक्ष स्पष्ट हो चुके हैं, अक्षरतीत का श्रृंगार क्या है, राज जी श्यामा जी का खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के द्वारा हमें यह भी पता चल चुका है कि राज जी के जो हृदय की बातें हैं वह भी सारी हमें पता चल चुकी है, लेकिन यह सब पता होने के बाद भी यदि हम अक्षरतीत की पहचान ना करें तो आपन बड़े गुनहगार थे, तब हम गुनहगार होते हैं। इसमें किसी अन्य का दोष नहीं है। वाणी में कहा गया है कि ये वचन ऐसे जागृत जगावे तत्खिन, जो ना लीजिए सिर अपने तो कहा करें वचन। ये वचन तो ऐसे हैं जो जागृत हैं, यदि हम इन वचनों को ना लें तो हमारी जागनी कैसे होगी। जैसे यदि वाणी में लिखा हुआ है, सागर की वाणी में है, इनविद साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। वाणी तो यह कह रही है कि हम किस प्रकार से जाग सकते हैं, इनविद साथ जी जागिए, हमारी जागनी ऐसे होगी, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। मूल मिलावा जिस जो गोल हवेली है, पांचवीं गोल हवेली जिसको मूल मिलावा कहा गया है, वहां पर राज जी और श्यामा जी बैठे हुए हैं। अब जब हम अक्षरतीत राज जी श्यामा जी के चरणों को लेंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, तब तो हमारी जागनी होगी। लेकिन हम उनका ध्यान ही ना करें, हम चितवनी ना करें, वाणी का पठन पाठन ना करें और उसके बाद हम सोचें कि नहीं सब कुछ हुक्म से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। किरंतन में कहा गया है, सिर ले काम करें माया को, निसंक पछाड़े आप अंग, ना करें भजन दोष देवे साई को, कहें दया बिना ना होवे साध संग। यही कार्य हम भी कर रहे हैं। हमसे बोला जाता है कि चितवनी कीजिए, वाणी पढ़िए, जो वाणी में रहनी बताई गई है उस रहनी पर चलिए, हम वैसा कुछ भी नहीं करते हैं और दावा लेकर बैठ जाते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टियाँ हैं और ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, परमधाम से आए हैं तो हम ही परमधाम जाएंगे और तो कोई जाएगा नहीं। तो मात्र दावे लेने से हम परमधाम जाएंगे ऐसा नहीं है। आज के पूर्व जितने भी परमहंस हुए हैं, यदि हम सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की ही बीतक यदि देखते हैं तो 11 वर्ष की उम्र से ही परमात्मा की खोज में लग जाते हैं। यदि आज हम अपनी अवस्था देखते हैं, अधिकांश सभी जितने हैं वे 25 साल से अधिक आयु के ही बैठे हुए हैं। हम अपने घरों में देखते हैं कि 11 वर्ष का एक बालक, उसे क्या समझ होती है, उस बालक को यह समझ नहीं होती कि अपने घर से बाहर कहाँ जाना है, क्या खाना है, किन लोगों से मिलना है। लेकिन सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में यहाँ श्यामा जी आई और उन्होंने किसके लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए यह कार्य करके दिखाया, सारी चाल चल के दिखाई। कई कसौटी सही दुल्हीन सोभी वास्ते हम सब सहीन, ब्रह्म सृष्टियों के लिए उन्होंने यह चाल चल के दिखाई, क्योंकि वाणी में कहा गया है कि जो हादी के, हमें कदम कैसे रखने हैं, हादी के कदमों पे ही अपने कदम रखना है, तभी हम जाकर के उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक हम यह नहीं, हमने यह देखा कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने इतने कष्ट सहे और हम ये सोचें कि हम बैठ करके सुखपूर्वक घरों में बैठ करके हमारी जागनी हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। आप सभी ने, चाहे शेरपुर वाले महाराज जी, परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी, चाहे गोपाल मणि जी, उन सभी की जीवन वृत्तांत को सुना हुआ है। तो जितने दुख उनके जीवन में आते हैं, परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी 13 वर्ष की अवस्था में जिनके माता पिता दोनों ही
चले गए हों अर्थात जिनका शरीर छूट चुका हो, ऐसी अवस्था में एक बालक जिसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं और संपूर्ण जीवन कभी थोड़े छोटे छोटे आम खा करके, कभी कुछ खा करके, कई कई दिन भोजन नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से इतना कष्टमय जीवन जी करके कष्टमय यात्रा उनकी होती है, तब जा करके वे अक्षरातीत को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं है कि कष्ट दिए जा रहे हों। जैसे आप यहीं अभी यहाँ ज्ञान केंद्र में आए हैं, तो आपसे ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि आपको सारा दिन में सुबह सुबह भोजन बस दिया जाएगा, बाकी टाइम आपको चर्चा सुननी और चितवनी करनी, तो ऐसा कष्ट तो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन और आप देख रहे हैं सब कुछ जितना भी हो सका है यहाँ पर उतनी सुविधाएं भी प्राप्त हुई हैं, और उसके बाद वाणी चर्चा का रस लगातार सबको प्राप्त हो ही रहा है, और उसमें भी यदि हम उस रस को ग्रहण ना करें, आत्मसात ना करें, इन वचनों को वचनों पर विचार ना करें और सोचें कि नहीं बस यहाँ पे चार दिन सुन करके घर जाएंगे और हमारी जागनी हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अब इन उजाले जो ना पहचाने तो आपन बड़े गुनहगार जी। इतना ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद यदि जैसे किसी व्यक्ति को यदि एक कार्य है, जैसे आप यहाँ से पन्ना जी जा रहे हैं, आप दूसरे रास्ते से चले गए, गलत रास्ते से, किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि आप इस रास्ते से ना जाएं, यहाँ यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है, मार्ग है, यहाँ पर बहुत कांटे हैं, आपको असुविधा होगी, उसके बाद भी आप ना बात को माने और उसी रास्ते पर चलें और दुख प्राप्त हो, तो इसमें उसका दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। तो इसी प्रकार से तारतम वाणी के द्वारा हमें स्पष्ट मार्ग बतला दिया गया है। विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरह ना जले होए नहीं दिल पाक। हमारे अंदर क्या क्या विकार है, जितने भी विकार हैं वाणी में, रास की वाणी में क्या कहा गया है, एहना आयुध अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। जितने भी हथियार हैं उन सभी के बारे में बतला दिया गया है और उनसे हमें निकलना कैसे है, उन हथियारों से हम कैसे लड़ें और अक्षरातीत की राह पर चलें, यह भी सारा वाणी में हमें बतलाया गया है। लेकिन उसके बाद भी यदि हम इन वचनों को आत्मसात नहीं करेंगे तो सुंदर साहब जी यह किसी और के राज्य का दोष नहीं है, जो पहले कहा गया है कि ना करें भजन दोष देवे साईं को। भजन हम नहीं करते हैं लेकिन दोष किसको देते हैं, राज्य को, कि राज्य की हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे, हम ध्यान नहीं कर पा रहे, हम चितवनी नहीं कर पा रहे। आप देखते हैं जिसको सुंदर साथ, कई सुंदर साथ बोलते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं हमारे पैरों में दर्द होता है या मन भागता है, तो प्रश्न यह है क्या यह समस्या सिर्फ आपके साथ ही है, चाहे कोई भी परमहंस हुआ हो, जब वह भी प्रारंभ में, चूंकि प्रारंभ तो हर किसी का हुआ होगा, चाहे वह कोई भी परमहंस हो या जो भी हमारे समक्ष अभी भी है, तो इनका जब प्रारंभ हुआ होगा तो ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन से ही घंटों घंटों ध्यान में बैठते होंगे, चितवनी लगती होगी, परमधाम दिखता होगा। प्रारंभ में सभी का मन भागा होगा, पैरों में दर्द भी हुआ होगा, लेकिन उनके अंदर तड़प थी अक्षरातीत को पाने की, हमारे अंदर वह तड़प नहीं है, तो वह तड़प कैसे आएगी, इस तारतम वाणी के द्वारा ही आएगी। मूल बात तारतम वाणी के वचनों पर ही आती है कि जब तक हम तारतम वाणी के वचनों को आत्मसात नहीं करेंगे, अर्थात इन वचनों पर चलेंगे नहीं, हम चितवनी नहीं करेंगे, क्योंकि चितवनी हर चीज का मूल है, जब तक हम चितवनी नहीं करेंगे, सेवा में आगे नहीं आएंगे और पीछे बैठे रहेंगे, सोचेंगे जागनी हो जाए सिर्फ सत्संग को सुनने से, तो ऐसा नहीं है। यही नरवती जी कह रही हैं कि सुंदर साथ जी, धनी के गुण तो बहुत है, आप उन्हें गुनहगार मत बनाइए कि हम उन्हें राज्य को ही गुनहगार बना देते हैं कि राज्य हमने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा नहीं है। अक्षरातीत तो गुणों की खान है, प्रतिपल हम सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी दृष्टि बंद कर रखी है, इसीलिए हमें राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं हो पा रही और ना ही अपने स्वरूप की पहचान हो पा रही। तो यदि हम ऐसा चाहते हैं कि हमें वह सुख प्राप्त हो, तो हमें प्रकाशवाणी और संपूर्ण तारतम वाणी के प्रकाश में आकर के जो हमारा अज्ञान है उसको हटा करके राज्य का ध्यान करना होगा। अब सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। अब इन उजाले जो ना पहचाने तो आपन बड़े गुनहगार जी, चरने लाग कहे श्री इंद्रावती, प्यूजी के गुण अपार जी,
प्यू जी के गुण का। बोलिए श्री प्रभु।